गेहूं के आटे से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। आप इसे खाकर बाहर का पिज्ज़ा बर्गर ज़रूर भूल जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आप गूंथे हुए आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता घर पर कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे देसी टाको भी कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी कम समय में झटपट बनकर ये रेडी हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ी और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा नाश्ता। इस तरीके से बनाएंगे आप तो वो बार बार आपसे यही बनवाएंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी है और हेल्दी है नाश्ता। तो फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हुए फटाफट मैं इस रेसिपी को शुरू करती हूँ। मैंने बैठा लिया है पैन और उसमें डाल रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। उसको हम हल्का भुनेंगे और इसी के ऊपर हम डालेंगे शिमला मिर्च। पतले पतले मैंने शिमला मिर्च काट लिया था, इसको हम अच्छे से डालकर भुनेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, अब मैं डाल रही हूँ इसमें स्वीट कॉर्न। अब डालेंगे इसमें हम पतले पतले मैंने प्याज काट लिया था, तो चलो मैं प्याज डाल लेती हूँ। आप सब एक साथ भी डाल सकते हैं। इन सबको इसी स्टेज पे डालने के बाद अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से हम चला लेंगे। तो देखिए, हल्का कलर चेंज होने तक इसको हम भुनेंगे। तो देखिए, कलर चेंज हो गया थोड़ा सा। इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो मैंने डाल दिया है हल्दी और नमक और अच्छे से इन सबको हम चला लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, अब क्या करते हैं, इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी हम थोड़ा लास्ट में ही डालेंगे क्योंकि पत्ता गोभी बहुत ही जल्दी लूज हो जाती है। तो इसी स्टेज पे हमें पत्ता गोभी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसे भूनना है। तो देखिए, हल्का हल्का ही हमें इसे बस भूनना है। ये देखिए, ये अच्छे से भून चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, इसमें डालेंगे मैश किया हुआ आलू। तो ले लीजिए आप मैश किया हुआ आलू, डाल लीजिए इसमें। तो इस तरीके से हम अच्छे से चला लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, काफी अच्छे से हमारा हो चुका है। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। आप लास्ट में गरम मसाला डालिए। ये देखिए, हमारा स्टफिंग बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए, इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारा स्टफिंग रेडी है। इसे रखते हैं साइड में फ्रेंड्स। मैं ले रही हूँ एक बॉल और उसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप गेहूं का आटा। इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक और 1 पिंच हल्दी डाल रही हूँ पीलेपन के लिए, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और उसमें डालेंगे हम मोइन। तो करीब 2 चम्मच मैंने मोइन डाला है इसमें। इसे हम एक डो की तरह तैयार करेंगे, एक टाइट डो हम बनाएंगे इसका। चलिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम एक डो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आटा लग रहा है। तो ये देखिए, काफी टाइट सा मैंने डो तैयार कर दिया है। चलिए, इसे रखती हूँ मैं 5 मिनट साइड में, जिससे हमारा आटा सेट हो जाए। तो ये देखिए, आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है 5 मिनट बाद। तो चलिए, अब इसका हम बनाएंगे। तो चलिए, आटे को अच्छे से मसल लेंगे हाथ से। तो अब इसका हम, चलिए, गोल गोल लोई तोड़ेंगे, छोटी छोटी लोइयां हम इसे तोड़ लेंगे इसकी। तो देखिए, मैंने इस साइज की लोई ली है। इसके अच्छे से हम पेड़े बना लेंगे, जैसे रोटी का हम बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही हम इसे बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसमें पलोथन लगा के अब हम इसे अच्छे से बेलेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैं किस साइज में बेल रही हूँ, आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं मीडियम साइज में इसे बेल रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, काफी अच्छे से मैंने मीडियम साइज का बेल लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। मैंने एक बॉक्स का कैप ले रखा है, इससे मैं कट कर रही हूँ इसे। तो चलिए, इसे अच्छे से आराम से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया, बहुत ही गोल बना है। तो चलिए, अब इसके हम अच्छे से बना लेते हैं। तो एक लेंगे हम और इसे इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। तो उससे पहले हम इस पे लगाएंगे केचप। टोमेटो केचप में लगा रही हूँ 1 टेबल स्पून
और इसके ऊपर से थोड़ा सा लगाएंगे म्यूनिस, इसे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, बिल्कुल मार्केट के पिज्जा बर्गर की तरह ही टेस्ट आने वाला है दोस्तों। तो इसे अच्छे से हम चारों तरफ लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम रखेंगे स्टफिंग, जो आलू का स्टफिंग मैंने तैयार किया है, ये देखिए। अच्छे से हम फील कर लेंगे इसे एक साइड से, तो आपको इस तरीके से लगा लेना है। ऊपर से हम थोड़ा सा रखेंगे चीज, ये देखिए मैं डाल रही हूँ ऊपर से चीज। तो ये देखिए अब हम इसे बहुत ही बढ़िया से आराम से इसे फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे बिल्कुल पैक कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है टाको। ये आप देख सकते हैं कि बाहर से भी कितना चीज़ी दिख रहा है। अब इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे, बहुत ही कम तेलों में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ये। थोड़ा सा मैंने ऑयल इस पर ग्रीस कर लिया है फ्रेंड्स। और इस तरीके से मैं दो पीस रख रही हूँ इस तवे पे, और इसे हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ऑयल लगाकर। तो चलिए अच्छे से इसे हम चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ही कम ऑयल में ये अच्छे से सिक जाते हैं और बहुत ही खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्दी बहुत है ये। तो देखिए ये हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। तो चलिए इस साइड से भी हम पीछे से सेक लेते हैं। इस तरीके से आपको सेक लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स काफी अच्छे से ये क्रिस्प हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसे मैं पैन से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे सिक्के ये गर्मा गर्म तैयार हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, अब आगे से बहुत ज्यादा चीज़ी ये दिख रहा है, खाने में बहुत ही मजेदार है। तो चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं लगाऊंगी सेव। तो ऊपर ऊपर से इसे में हम सेव लगा देंगे। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बिल्कुल तैयार है, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बढ़िया परफेक्ट नाश्ता बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। लग रहा है ना एकदम बढ़िया मजेदार, तो ये आप खुद देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये टाको की रेसिपी कैसी लगी है। ये बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार है। मैंने ऊपर से लगा दिया है थोड़ा सा सॉस। तो ये हमारा गर्माना गर्म नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे, और एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, बड़ों को भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट नए नेक्स्ट रेसिपी में फ्रेंड्स।